हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैं चलो उन्नी कैट में आपको स्वागत है। आज हम फोन पे के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, फोन पे में हर कोई तो फोन पे यूज़ करता है, और आप भी फोन पे यूज़ करें और थंबनेल देखे इस वीडियो में आए तो आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता होगा। देखिए, काफ़ी सारा फ्रेंड का एक प्रॉब्लम आता है, वो भी कॉमन प्रॉब्लम हो गए, पेमेंट लिमिट एक्सीडेड। वो आपका जो भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट फेल होते हैं, पेमेंट फेल होते हैं, और आपको जो वहाँ पर एक एरर मैसेज आ जाता है, पेमेंट लिमिट एक्सीडेड। तो ये क्यों आता है और ये कितने तरह का होता है? देखिए, बेसिकली तीन तरह का होता है, और ये क्यों क्यों आता है, कौन कौन सी स्टेज में आ सकता है, और इसका सोल्यूशन भी क्या है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। आप दोस्त वीडियो का आखिर तक बने रहिए। ये तीन जो तीन प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है और ये कहाँ कहाँ और कैसे आता है, इसके बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्यों जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सकें। अगर आपको फोन पे के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो जाइए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फोन पे का प्ले लिस्ट लिंक है, उस लिंक को ओपन करके फोन पे के बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, जो पहला प्रॉब्लम यही है कि अगर आप बैंक में अपने फोन पे में न्यूली बैंक अकाउंट ऐड किए हो, एक नया अकाउंट ऐड किए हो फोन पे में, या आप आज ही फोन पे ओपन किए हो, तो एक एरर मैसेज आता है, पेमेंट फेल, यू कैन ओनली सेंड मैक्सिमम 5,000 पर डे फॉर न्यूली एडेड बैंक अकाउंट। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आता है, अगर आप न्यूली एक नया बैंक अकाउंट ऐड करते हैं अपने फोन पे या अपना फोन पे आज ही ओपन किए हैं, तो 24 आवर के अंदर आप 5,000 रुपये ही किसी के पास सेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते। जब आपका 24 आवर कंप्लीट हो जाएगा तो आप उससे ज़्यादा पेमेंट सेंड कर सकते हैं, जितना लिमिट आपका बैंक सेट किया होगा। अपने बैंक में पता करिए कि UPI पेमेंट कितना सेट किया हुआ है, जितना आप अपना बैंक अकाउंट आपके UPI पेमेंट सेट किए हैं उतना भेज सकते हैं। मगर 20 जब भी नया फोन पे आप ओपन करते हैं या नया बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो वहाँ पे 5,000 रुपये ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ये पहला प्रॉब्लम इसलिए आता है कि 24 के अंदर आप 5,000 सेंड कर सकते हैं, वो भी अगर आप नया फोन पे ओपन करते हैं या न्यूली एक बैंक अकाउंट फोन पे ऐड करते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन आता है, जो पेमेंट फेल, यू हैव एक्सेडेड द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट, तो इसका ये इसलिए आता है, अगर आप एक में फोन पे हैं और फोन पे में आप एक बैंक अकाउंट ऐड है। देखिए, बैंक अकाउंट में जब भी आप ऐड करते हैं तो बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन लिमिट होता है वो बैंक सेट करता है। तो बैंक जितना भी आपका ट्रांजेक्शन लिमिट सेट किया होगा और आप उससे ज़्यादा भेजते हैं तो आपका वहाँ पर एरर का प्रॉब्लम आता है। आप कोशिश करिए जितना अमाउंट आप भेज सकते हैं, पहले अपना कभी भी पेमेंट भेज के चेक कर सकते हैं कि आपका अपना लिमिट क्या है, नहीं तो आप बैंक अकाउंट बैंक में पता कर सकते हैं इसका लिमिट क्या है, और आप उसी लिमिट के अंदर ही आप कहीं पर ट्रांजेक्शन करिए। अगर आप इस लिमिट का ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर ऐसा एरर मैसेज आ जाएगा, यू हैव द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो इतने जो भी बैंक अकाउंट बैंक वालों ने सेव किया होगा आपका अकाउंट में UPI, उससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते तो वहाँ पे भी आपका पेमेंट फेल हो जाए। तो वीडियो के आखिर में हम बताएंगे उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये था दूसरा, तो हम चलते हैं तीसरे की तरफ। जब भी आप तीसरे के आते हैं तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पेमेंट का फेल का आता है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है मैं उसका भी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, वो प्रॉब्लम क्यों आता है। देखिए, जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से कोई भी अमाउंट को ट्रांजेक्शन या भेजते हैं तो वहाँ पे एक एरर मैसेज आता है, पेमेंट लिमिट एक्सीडेड। तो वहाँ पे पेमेंट लिमिट होता है, तो यहाँ पर आता है, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेमेंट अलाउड ऑन देव बैंक अकाउंट। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आता है कि आप बैंक वालों ने बस ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी आपके अकाउंट में सेट किया होता है, क्या पर डे इतना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भेज सकते हैं, मतलब अगर 10, 12, 20 इतना बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन के लिए कोशिश करते हैं, वहाँ पे ये मैसेज आता है, पेमेंट लिमिट एक्सेडेड और यू हैव द रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेमेंट अलाउड ऑन द बैंक। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो बात करते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। जो पहला प्रॉब्लम था कि आप 24 आवर में 5,000 ही सेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते, तो ये तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट या आपका फोन नंबर किसी के हाथ लग जाए तो वो फोन पे भी 24 आवर के अंदर इतना ही सेंड कर सकता है, इससे ज़्यादा सेंड नहीं कर सकता, और आप चाहेंगे फिर भी सेंड नहीं कर सकते। तो दूसरा है कि आपका पेमेंट जो ट्रांजेक्शन लिमिट होता है उसका, देखिए ट्रांजेक्शन लिमिट जो होता है बैंक वालों ने सेट किया होता है, अगर आपका UPI ट्रांजेक्शन ज़्यादा बढ़ाना चाहते तो आप जाके बैंक में बात करिए, बैंक वालों से बोल के या कोई भी एप्लीकेशन लेके आप उनके पास अपना ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी सेम प्रोसेस है, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बैंक वालों ने सेट किया होता है और आप ये सब बढ़ाना चाहते हैं तो फोनपे में कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप ये सबको बढ़ा सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले सकते हैं। तो बैंक अगर आप ये सोच रहे हैं कि फोनपे में, अगर काफ़ी सारा वीडियो में आप देखते हैं फोनपे में ये सब सोल्यूशन बताते हैं, मगर कोई भी अभी तक 100% सोल्यूशन नहीं बता चुका है। आप अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम, तीनों में से एक फर्स्ट वाला प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, अगर लास्ट टू प्रॉब्लम आपका आ रहा है
तो आप जाकर बैंक में कॉन्टैक्ट करिए और बैंक वालों से बात करके अपना ट्रांजेक्शन को लिमिट या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था फोनपे के बारे में पूरा वीडियो कि अगर ये जो प्रॉब्लम आते हैं एक्सेटेड पेमेंट फेल वाला वो क्यों आते हैं और कितने तरह के होते हैं और इसका सलूशन क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वीडियो को पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।